राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे क्या हम कोराजन और नैनो यूरिया यानी कि FMC की कोराजन और इफ्को के नैनो यूरिया को एक साथ मिला करके क्या हम इनकी ड्रिंचिंग अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं, क्या हम इनका स्प्रे अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं, कर सकते हैं तो क्या डोज रहेगी, क्या इसकी कीमत रहेगी, क्या इसकी मात्रा रहेगी, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, इसके क्या कारण हैं, सब कुछ मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। मेरे पास लगभग 70 से ज़्यादा किसान भाइयों के फ़ोन कॉल आ चुके हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमने कोराजन और नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे थे तो हमारे साथ ये घटना घटी, तो क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। और कुछ किसान भाई पूछ रहे हैं क्या हमें इन्हें मिलाकर के उपयोग करना चाहिए या फिर उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो किसान भाई, बात कर लेते हैं कोराजन और नैनो यूरिया के बारे में। देखिए, एक तरफ जो हमारा कोराजन है ये किसान भाइयों एक इंसेक्टिसाइड है, एक कीटनाशक है, और किसान भाइयों SC फार्मुलेशन के साथ आता है यानी कि सस्पेंशन कंसंट्रेट रूप में किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा, जो सफ़ेद गाढ़े रंग का एक तरल पदार्थ होता है। इसके अंदर जो आपको क्लोरेंट्रा नीली प्रोयल जो टेक्निकल दिया गया है वो 18.5% में आता है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो इफ्को का नैनो यूरिया है जिसके अंदर किसान भाइयों ये एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है यानी कि इसे आप यूरिया से कंपेयर नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान देना है। जिस तरीके से आप जो है NPK 19-19-19 या फिर सागरिका को कोराजन के अंदर मिला लेते हैं वो नहीं फटता है और उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं किसान भाई जो हमारा नैनो यूरिया है ये एक नैनो पद्धति के द्वारा तैयार किया गया है, इसे आप बिल्कुल भी यूरिया की तरह कंपेयर ना करें कि जैसे हम यूरिया को डाल देते हैं उसी तरीके से नैनो यूरिया को डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी दी गई है। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आता है, यहाँ पर परेशानी क्या आती है किसान भाई, जैसे ही आप कोराजन कीटनाशक को और नैनो यूरिया इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो इनका जो सॉल्यूशन होता है, इनका जो पानी आप या इनका जो आप लिक्विड आप बना रहे हैं या इनका जो घोल आप तैयार कर रहे हैं ये तुरंत ही किसान भैया फटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ये इस तरीके से फट जाएगा कि इन दोनों के अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक तरह का कीटनाशक है और ये एक नैनो पद्धति पर आधारित है तो दोनों के अंदर क्रिया होनी शुरू हो जाती है और ये सॉल्यूशन बिल्कुल बेकार हो जाता है। अब बात यहाँ पर याद है क्या अब इसके फटने के बाद हम इसका उपयोग अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो मैं आपको बड़ी बारीकी के साथ समझा दूँ कि यदि इसका उपयोग आप करेंगे तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो 40-45% के आसपास ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 80% 90% या 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो मात्र 40-45% ही कार्य कोराजन और नैनो यूरिया आपकी फसल पर दिखाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जो पावर है वो बिल्कुल जस्ट आधी किसान भाइयों हो जाएगी। अब बात करते हैं ये दोनों फटे क्यों, तो बताया मैंने आपको वो कीटनाशक है जो हैवी कीटनाशक है और दूसरा उसके अंदर नैनो पद्धति डाली गई है, तो नैनो पद्धति बिल्कुल नॉर्मल पद्धति के द्वारा बहुत एक एडवांस वर्जन की पद्धति है, उसका उपयोग जैसे ही इन दोनों के साथ होता है ये तुरंत ही आपस में रिएक्शन कर देते हैं, इनके अंदर क्रिया होनी शुरू हो जाती है और सिर्फ किसान भाइयों को लॉस होना शुरू हो जाता है। तो गलती से भी आपको नैनो यूरिया को और कोराजन को एक साथ मिला करके इनका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि कोराजन काफ़ी महंगी दवाई है और महंगी दवाई और सस्ती दवाई जब मिलेंगी तो सिर्फ लॉस जो होगा वो किसान भाइयों को होगा, तो गलती से भी आपको ये कार्य नहीं करना है। और यदि कर लिया है तो स्प्रे कर दें, इस सॉल्यूशन को फेंके ना, क्योंकि बहुत महंगा है और 40-45% तक के रिजल्ट आपको बड़े आसानी के साथ देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे किसान भाई इस गलती को कर चुके हैं और मैंने बहुत किसान भाइयों को इस चीज़ के लिए मना भी किया था और वीडियो भी इसके लिए बना करके दी थी। तो किसान भाइयों, यदि आपने ये वीडियो देखी है और आपको ये अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वे भी इस तरह की गलती किसान भाइयों गलती से भी ना कर पाएं, क्योंकि एक किसान भाई का कम से कम 2000 से लेकर 2200 रुपए तक का नुकसान प्रति एकड़ के हिसाब से हो सकता है यदि उन्होंने इन दोनों टेक्निकल को एक साथ आपस में मिलाया तब। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी।